देखिए सर, हमारे एक कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं मनोज शर्मा जी, मिस्टर मनोज जी, वो स्टेट पर हैं इस टाइम, और ईगल सीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको जानकारियां दे रहे हैं, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, देखिएगा, लाइव चल रहा है तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम यूट्यूब पर आपको सब दिखाएंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइएगा, हम आपको पूरी जानकारी सोयाबीन की देंगे आपको, तो ठीक है, हम फर्स्ट ब्लॉग हमारा देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं छोटे छोटे ब्लॉग जो भी हम बनाएंगे आपको दिखाएंगे, तो ठीक है, हम आगे तक पहुँचा रहे हैं आपकी प्रक्रिया को, और आगे देखिएगा, देखिएगा एम डी साहब का स्वागत हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे, माला पट रही है, ये आते हैं हम आप लोगों के बीच से चुरा कर ले जाएंगे। ठीक है सर, खा रहे हैं आपको जी सर, चुरा है एम डी साहब है सर, मैं खा रहे हैं। हाँ हाँ, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एमडी साहब हमारी कंपनी के सर, देखिए आपको दिखा रहे हैं कंपनी के, और मिस्टर वीडियो चल रहा है, देखिए हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे, लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देखिए कितना किसान है कंपनी में, ये हमारे फार्मर हैं जिन्होंने खेत में लगाया है, तो देखिएगा डीजे मार्केटिंग एलसी जैन से अनुरोध करूंगा कि साथ में पधारे हुए सरपंच साहब हैं, उनका स्वागत करें। यहाँ के सरपंच हैं, इनको हमारे एलसी सर ने इस एरिया के एरिया मैनेजर उदयवीर शर्मा से अनुरोध है कि वो दौड़ कर आए, इस एरिया के जो टेटी सेल्स मैनेजर हैं वो उदयवीर सिंह हैं, देखिए वो आ रहे हैं और उनको भी सम्मान किया जाएगा, हम आपको दिखाते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं सुधाकर शर्मा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस एरिया के अग्रणी डिस्ट्रीब्यूटर है राहुल जी का स्वागत करेंगे वो। आपको जोड़ने में और कंपनी का बीज लगाने में और खरीद कर लाकर यहाँ लगाया और आप सभी से हमारा संपर्क हुआ, इसमें जो अग्रणी योगदान है इस खेत के मालिक, इस खेत को करता धरता जो भी है श्री मनोज जी, एडवोकेट मनोज शर्मा जी का स्वागत सुधाकर। नहीं नहीं आप करेंगे क्योंकि चलिए मैं कर देता अरे अरे बहुत सही हो रहा शर्मा जी का। बहुत सारी बातें अभी सुधाकर शर्मा ने बताई, डॉक्टर गुप्ता ने बताई, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि त्यौहार का भी टाइम चल रहा है कुछ, मैं अपने एमडी साहब से अनुरोध करूंगा कि आपका मार्गदर्शन। धन्यवाद सुधीर जी, एमडी साहब आए हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पे उपस्थित सभी सम्माननीय, सबसे पहले जो है किसान भाई, हमारे किसान भाई बहने, बहने तो नहीं दिख रही हैं थोड़ा, वैसे बहने भी, घर की महिलाएं भी, आशा है कि सब खेत में काम करती होंगी, ये सब करती होंगी, बट हमारा अनुरोध है कि जो भी आप ला सकें तो उनको भी थोड़ा दिखाने करने के लिए लेके आइए घर के, बट किसान भाई वगैरह सब उनके परिवार, मंच पे उपस्थित हमारे जो यहाँ के खेत पे जिनका हम जिन्होंने हमें खेत पे मौका दिया कार्यक्रम करने के लिए, श्री शर्मा साहब, हमारे बुजुर्ग श्री सरपंच साहब, आपका क्या शुभ नाम है सरपंच साहब? हरी सिंह जी साहब, ओके। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं श्री रावल साहब, हमारी कंपनी के कोल्टे जी और डॉक्टर गुप्ता, एस जी, सुधीर जी, सुधाकर जी, उदयवीर सिंह,
और सारा स्टाफ। मुझे साढ़े बारह से आधे का मैं हिंदी में बोल दूँ, मैंने मालवी भी आवे नहीं, लेकिन अभी प्रैक्टिस भी है, घर के बच्चे बच्चे तो फिर सब मालवी की प्रैक्टिस नहीं है। अब क्या है, हिंदी बढ़िया, हिंदी भी अच्छी, हिंदी अच्छी बोलने, क्या है कि बोली पे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए बोलवा चाला वाला लोग चाहिए, शहरा में मिले नहीं मालवी बोलवा वाला, तो प्रैक्टिस नहीं है तो भूल ही जाऊँगा। पर यह है कि जैसे सुधाकर जी ने बताया कि मैं भी गांव से पैदा तो गांव में हुए थे, फिर ठीक है बिजनेस के कारण शहर गए, अलोट करके हमारा एक गांव है रतलाम जिले में आता है, वहां से पैदा हुए, फिर मैंने शिक्षा की ये सब खींच करके, और फिर अब चूँकि हमारा सीड का काम है तो फिर सीड के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं खेती वगैरह जब हमारे लिए फार्म पे जाते हैं सब जानते हैं, तो हमेशा हम चाहते हैं कि जो होगा। ठीक है सर, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो कंपनी के रिसर्च डेवलपमेंट जो हैं कोटर साहब, आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं वो भी आए हुए हैं और वो इस टाइम स्टेट पर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं, आप सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा आप। अब उपयोग में लाइए, तो बंधनों सोयाबीन मैं अभी आ रहा था, मैं पहली बार आपके एरिया में आया हूं, मैं देख रहा था साहब कोई बोल रहा था कि सोयाबीन का बड़ा एरिया है, मुझे पता है शाहजहा जो है ना वहाँ पे सोयाबीन का बड़ा एरिया है, सोयाबीन में आप देखेंगे कि हमारी कंपनी ईगल आप बहुत सालों से लगाते भी होंगे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ईगल का बीज यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन अभी जो नई नई फसलें आ रही है आप देख रहे हैं, नए नए जो किस्में आ रही है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक्सेप्ट करेंगे अपने खेत में लगाएंगे तो आपका यील्ड बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि अभी पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी भी बरसात चालू है, जो बरसात अभी ख़त्म होना चाहिए था लेकिन अभी भी बहुत जगह पर अच्छी बरसात हो रही है, बरसात लेट हो रही है, कंटिन्यू जा रही है, तो बरसात कम हो या ज़्यादा हो उसमें हमें अच्छा बीज मतलब अच्छा बीज ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ उसका उत्पादन मिले, चाहे आपकी ज़मीन थोड़ी कम भी हो, हल्की हो, भारी हो, लेकिन आपको वो ज़मीन में अच्छे कम ज़्यादा बरसात में ऐसा किस्म होना चाहिए जो किस्म आपको अच्छा ही कम से कम दिया जाए, ऐसे किस्म बहुत सारी कंपनियां बना रही है, जैसा साहब ने बताया कि हमारा भी R&D बहुत सालों से चल रहा है और पर्टिकुलरली हम सोयाबीन पर हमारा फोकस है, उसके साथ में हमारे गेहूँ पर भी फोकस है, सोयाबीन के बाद में गेहूँ लगाने वाले फार्मर है तो आप देख लीजिए सुशीला करके हमारी वैरायटी है तो आप लगा के देखिए, उसका बहुत अच्छे रिजल्ट पूरी MP में आ रहे हैं, पूरी MP में नहीं MP के बाहर भी आ रहे हैं, तो ईगल के आप भरोसा रखिए, ईगल की जो भी नई नई किस्में आएंगी वो पूरा ठोक ठाक के गवर्नमेंट के पास भी हम उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं, गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर भी उसका 3-3 साल टेस्टिंग होता है, सिर्फ MP में नहीं MP के बाहर अदर स्टेट में भी उसका टेस्टिंग होता है, उसमें से जो अच्छी रहेगी वही हम बाहर निकालते हैं, तो ये 71 जो आपने देखा है कि थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी वाला है, आपने देखा कि रास्ते में हम देख रहे थे बहुत सारा सोयाबीन की फसल खराब हो गई, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एकदम हरा हरा सोयाबीन दिख रहा है, उसके फली भी आप देखेंगे उसका उत्पादन कितना हो गया, तो आपको आपके यहाँ के जो ओनर मालिक है वो बताएंगे, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे, या आप आके भी देख सकते हैं बाद में 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद, तो ईगल का हमेशा कोशिश रहेगी कि जो सबसे बेस्ट है वो बेस्ट MP में नहीं MP के बाहर भी इंडिया के बाहर भी अगर कोई बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपने फार्मर्स को कैसे मिले जिससे फार्मर का उत्पादन कैसा बढ़े, और फार्मर का उत्पादन बढ़ेगा अपने देश का उत्पादन बढ़ेगा तो जो आयात है वो कम हो जाएंगी, अपने डॉलर बाहर नहीं जाएंगे, अपने रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऐसे अलग अलग किस्म निकालने का कंपनी का प्रयास है। तो देखिए सर, ये MD साहब गिफ्ट दे रहे हैं फार्मर को, जिसने हमारे सोयाबीन लगाया था वो फार्मर को गिफ्ट दिया जा रहा है, तो देखिए हम आप तक दिखा रहे हैं, देखिएगा एक बार और जोर से ठीक है।
देखिए ये वो किसान है जिन्होंने सोयाबीन लगाया है, ये वो किसान है जिसने सोयाबीन लगा रखा है। भाइयों का भी मेरी मनोज प्रणाम शर्मा नमस्ते स्वीकार करें। जैसा कि आपको ईगल शीट में अवगत कराए हैं, आपके सामने सोयाबीन की फसल खड़ी है, जो भी इसकी औसत आएगी मैं आप सभी लोगों को अवगत कराऊंगा इससे, और आने वाले समय में जो ईगल शीट के गेहूँ श्रीमान एमजी महोदय ने जो अवगत कराया है सूची का हर्षी का नाम के, आप बो के देखें, एक एक करके बो के देखें, अगर आपको समझ में आए तो अगले साल वापस बोना उसको। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि किसान की दो गुनी आय होगी, तो इसी प्रकार से नए नए बीज का उपयोग करने पर ही आप लोगों को प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, वो तो खाली आपको एक मार्गदर्शन देंगे, आप नई नई चीज में जाइए उपयोग कीजिए, आपको उसका फायदा मिलेगा, आपकी आय भी दोगुनी होगी। होगी, आप फसल पैदा करेंगे, नई नई वैरायटी बोएंगे तो होगी। उनके मार्गदर्शन में जो भी आपको उन्होंने बताया है उस हिसाब से उस चीज की बुझाई कीजिए, खाद बीज कीजिए, तो आपको दोगुनी आय आपको बराबर प्राप्त होगी। यही मेरा कहना, धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोग अब फसल देखने आए हैं, अब फसल दिखाएंगे आपको कि हमारे ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो सोयाबीन 71 है वो आपको दिखाएंगे कि किस टाइप की वैरायटी है, कैसी वैरायटी है और वैरायटियों से किस तरह है वो, तो आपको दिखाते हैं। देखो पैदावार में कैसी है, कितनी बेहतर है पैदावार में वो, तो हम लोग आप आज इसीलिए मीटिंग किया है यहाँ के दिखाने के लिए। तो ठीक है, हम आप तक दिखा रहे हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तो आपको ऐसे ही ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की और भी वीडियो आपको अच्छी अच्छी दिखाएंगे और क्रॉप की वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये फार्मर हैं, ये अब वैरायटी देखेंगे सोयाबीन 71 जो लगा हुआ है वो इनको दिखाएंगे। देखिएगा ये वो फार्मर हैं जो देखने आ रहे हैं, ठीक है इनको तक पहुँचा रहे हैं। देखिए ये क्रॉप लगा हुआ है, देखिए ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने एक ईगल का पौधा उड़खेड़ा है, तो बोल रहे हैं कि इस ईगल में कितनी फलियां हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? अर्जुन नको। तो अर्जुन भाई आपको कैसी लगी ये वैरायटी? बहुत बढ़िया वैरायटी है, अच्छी। एक पौधे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फलियां हैं इसमें? पौधे में कम से कम कितनी फलियां होंगी लगभग में, आप बताइए अंदाजे से। ऊपर फली होगी। और वैरायटी ले लीजिए, कभी 100 से ऊपर फलियां निकली के नहीं? तो आप ईगल को मानते हैं ना, ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सोयाबीन 71 ही लगाइएगा आप, बहुत अच्छी वैरायटी है, पैदावार में बहुत अच्छी है, उपज बहुत अच्छी है इसमें। आप वो वैरायटियां लगाइए जिसमें आपको मुनाफा हो जी, लाभ हो, वो वैरायटियां लगाइएगा। तो ठीक है, आप ये वैरायटी जरूर लगाइएगा, नेक्स्ट टाइम आप लगाएंगे ना ये वैरायटी। कौन सी वैरायटी है ये? ईगल 71 है ना, कंपनी कौन सी है? कंपनी भी ईगल है, ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ की कंपनी पता है आपको? इंदौर की कंपनी है ये। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये ईगल 71 वैरायटी है, सोयाबीन की अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, अगेती फसल बोलते हैं जिसे अपन, तो 85 से लेकर 90 दिन की वैरायटी है। ठीक है, इसके कोई भी फसल फल देख लो, आप फलियां देख लो, तीन या चार पॉट देखेंगे, दो पॉट वाले कम से कम चार या पांच सात पॉट देखेंगे। ठीक है, मेन चीज ये है इसका कैरेक्टर। ठीक है, इसका गोड़ मजबूत, और इसमें पौधे में क्या है, ब्रांचिंग निकलती है, आप देखोगे ना, कोई पौधे एक ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग, तीन ब्रांचिंग, एक ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग, वो उसका पौधा क्या है, पंजाबी साइड का सीधा डंडा ज्यादा होता है, बस एक ही है। और इसमें क्या है कि यानी ब्रांचिंग ज्यादा रहती है तो फल ज्यादा लगता है। ठीक है, और साथ में क्या है, इसका फोलियज, फोलियज मतलब पत्तियां जो रहती है, एक डार्क ग्रीन है, ये बाजू में 95 लगा हुआ है, देख लो आप, इसका लाइट ग्रीन मिलेगा। तो इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, तो माल ज्यादा बनता है, माल ज्यादा बनता है तो उपज ज्यादा बनती है। ये आप जैसे जैसे ऊपर की फलियां देखोगे तो चार चार दाने वाली देखने को मिलेंगी आपके लिए, इसमें कहीं पे भी देखोगे, और नीचे वाली तीन तीन दाने की, दो वाली तो बहुत ही कम मिलेंगी आपके लिए। और आप कभी भी देखना 95-60 में उसमें जो 25-30 फलियां ही निकलती हैं, 35 फलियां, आप इसके कोई भी पौधा उठा के देखोगे तो कम से कम 70-80-90 फलियां निकलती हैं इसमें, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे निकलवाए। देखिए ये हमारी ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, सब सर हैं हमारे, बॉस लोग हैं,
तो आप देखिएगा, हम YouTube पे बना रहे हैं वीडियो को, सोशल मीडिया पे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये प्लाट पे आए हुए हैं, आपको सोयाबीन के बारे में बताएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा सोयाबीन के बारे में। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ के, तो ये भी सर के साथ में ही हैं, आप लोग देखिएगा। एम डी साहब भी विजिट पे आए हुए हैं, ये देखिए एम डी साहब हैं वाइट टी शर्ट में, एम डी साहब हैं। ये भी सोयाबीन क्रॉप पर मीटिंग में आए थे और अभी फील्ड देखने के लिए आए हैं, तो देखिएगा आप लोग, एम डी साहब हैं। अब टुकड़े हो गए तो उसका क्या करें, तो आप लोग को नहीं बचे तो मैं यही देखना है, तो मैं उनके देश को तो मेरी कैसी है, सेम ही है लगभग, पत्ते भी तो कहीं कहीं के चालू हो गए, तो सेम ही है, तो नहीं वो फल में देख लिया था, अब तो पकाओ पे आके पीला पड़ता ही है ना, और नई वेरायटी किसान को सप्लाई करते हैं। हमने भी यही निर्णय करा कि अगले साल यही करेंगे सब, जितना भी बीज निकले। 95-60 तो फेल हो रहा, बीमारी भी ज्यादा। एम डी साहब फार्मर से चर्चा करते हुए फार्मरों को बता रहे हैं, इधर नहीं है ये उधर ही है, उस साइड में पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पीले तो पड़ रहे हैं, वो तो अगर है टाइम तो दो दिन बाद प्रोग्राम अभी सब टीम मिल रही है पूरी, आप बोलो कल कर रहे, कल करेंगे हाँ। देखिए दोस्तों, ये कंपनी की फार्मर मीटिंग ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक गोष्ठी मीटिंग रखी गई थी, जो हम आपको भी दिखा रहे थे। अब खाना चल रहा है यहाँ, भोजन चल रहा है, मीटिंग के बाद यहाँ भोजन रखा गया था, भोजन का प्रोग्राम रखा गया था, तो देखिएगा अब भोजन चल रहा है, तो आप लोग देखिएगा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अभी हम और कुछ भी दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे इसमें, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए खाना खिलाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, ये हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मीटिंग थी, उस मीटिंग में इस तरह से खाना दिया जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, अभी पूरी कंपनी की जानकारियाँ देंगे, अभी आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिएगा पूरा दिखाएंगे, देखिएगा ये लोग खाना खा रहे हैं, ये सब फार्मर हैं, ये फार्मर हैं, सब खाना खा रहे हैं। फार्मर मीटिंग थी आज यहाँ ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, ये सब फार्मर हैं, मीटिंग रखा गया था। वो अंकल वहाँ दामा मंगे तो, देखिए भाई साहब ये डेलची के लोग हैं, यहाँ पधारे हैं फार्मर मीटिंग में, आप जो खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुबह से खाना नहीं खाया था मीटिंग के चक्कर में, कि मीटिंग में खाना मिलेगा हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हैं हमारे मिस्टर टेंट वाले भैया, जिन्होंने टेंट लगाया था, ये बोल रहे हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ आ गए, पेट में चूहे कूद रहे हैं हमारे, तो देखिएगा भाई साहब बहुत भूख लगी है इनको, इनको सबसे पहले खाना खिलाया जा रहा है ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। देखिए भाई साहब, ये हमारे सोंड भाई, सोंड वाले भाई हैं, इन्होंने सोंड लगाया था, बहुत अच्छा सोंड बोला, अल्लाह ताला इनकी बरकत में तरक्की अता फरमाए, आमीन। देखिएगा भाई ये सब फार्मर हैं, और तो खाना खिलाया जा रहा है। देखिए भाई साहब, ईगल सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये हमारे डेलची के फार्मर हैं, जो इस मीटिंग में उपस्थित हुए थे, तो उनके भोजन का कुछ इंतज़ाम किया गया था, तो वही इन लोगों को खिलाया जा रहा है। देखिएगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय मिस्टर विनय, देखिएगा फार्मरों को पानी पिलाते हुए। चलेगा दाल नहीं, आप कुछ मत करना, ऐसे ही चल रहे।
बीच में काले वाले को दबाना है? पेट भी सुना ना। जी जी सर, तो फिर बेला सुनाना पड़ेगा।